बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि मरकेवा टैंक बनाने वाली इसराइली कंपनी को तबाह कर दिया गया है तिल से। ये सबसे बड़ी खबर आई है उस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, जो का सबसे बना रही है। तो यह क्या मामला हुआ यह आपके साथ शेयर करेंगे गजा से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें आ गई है जो नए हमले किए गए हैं जो इसराइली फौजियों को हला किया गया है वो खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे फिर नजरन जो हिजबुल्ला ने आज हमले किए हैं जो उनकी मेरून बेस

ऊ के खिलाफ इस वक्त बगावत इंतहा को पहुंच चुकी है किसी भी लमे का तख्ता उल्टा जा सकता है उसकी जिस इतिहाद के तहत हुकूमत बनी थी अब वो इतिहाद भी उसको छोड़ रहा है तो वहां पर क्या सूरत के अंदर कितनी क्योंस है कितनी डिस्टेबलेशन है और वहां पर क्या हंगामों की सूरत हाल पैदा हो गई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके न एक बात तो तय हो गई है कि गजा में लड़ी जाने वाली जंग अब सिर्फ गजा की एक छोटे से इलाके की जंग नहीं रही बल्कि अब ये इलाकाई जंग बन चुकी है हम बिल्कुल इसको एक इलाकाई जंग कह सकते हैं जिस तरह से हमलों में शिद्दत आ चुकी है यमन ने अपने हमले तेज कर दिए और अब मजामती तहरीक की जानव से बहुत बड़ा हमला किया गया है बहुत गैर मामूली हमला किया गया है इसराइल लरज उठा है और ये सरप्राइज दिया गया है सबसे बड़ा सरप्राइज है जो मजामती तहरीक ने इसराइल को दिया है नजर तिल अबीब में इसराइल की जो सबसे बड़ी असल बनाने वाली कंपनी है जो कि मरकेवा टैंक बनाती है मरकेवा फोर टैंक जो कि दुनिया का सबसे जदीद तरीन टैंक समझा जाता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड है जिसमें रेडार लगे हैं मतलब दुनिया का यह सबसे जदीद तरीन टैंक है उस फैक्ट्री को नाजी निशाना बनाया गया आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह कितना बड़ा हमला हुआ है यानी यह उनका सबसे हसास ये फैक्ट्री है। और वो फैक्ट्री वाकिया कहां पर है को गजा के बॉर्डर के साथ नहीं है तेल अवेब में दारुल हुकूमत में यह फैक्ट्री है तो दारुल हुकूमत में सबसे जो हसास एरिया है उसको नाजरीन निशाना बना दिया गया है यानी कि उनकी फैक्ट्री को और वहां पर बहुत बड़े धमाके हुए हैं उनकी फैक्ट्री के अंदर मैं बयान आपके सामने रख देता हूं मैसिव एक्सप्लोइन एंड फायर इन द फेमस इसराइली फैक्ट्री मरकेवा इन तिल अवीव ठीक है मैसिव सिव वहां पर हुए तो ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है और बिल्कुल इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और ये मजामती तहरीक की ताकत का मुंह बोलता डेज हो है यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि डेज में आपने दुनिया जहान का कोई ऐसा बम नहीं है जो गजा पर ना घिराया हो लेकिन नाइन्टी वन डेज के बाद आप उनको ये, ये भी महदूद नहीं कर सके कि चले जंग गजा के अंदर ही रहे नाइनटी डेज के बाद भी मजामती तहरीक में इतनी पावर है कि वो आपके सबसे हसास एरिया को निशान बना रही है तो एक प्रोपोगंडा भी इसराइल कर रहा था मगरब में अमेरिका में कि हम फाते हो गए हैं हम कोई जंग जीत रहे हैं तो इस हमले ने उसको भी पूरी तरह से फाश कर दिया है और इनका वो झूठा प्रोपोगंडा जो है वो बेनकाब हुआ है तो एक तरफ ये फैक्ट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है टैंक बनाने वाली फैक्ट्रीज तबाह की जा रही है वहां पर गजा में जो टैंक भेजे गए हैं उनके कब्रिस्तान वहां पर बन रहे हैं और जो इसराइली फौजी है उनकी कबरें वहां पर बन रही हैं जो नए नाजी ताजा तरीन हमले हुए हैं उनमें से पांच सात जो बड़े हमले किए गए सिर्फ उनकी तफसीलात जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि फुल इंटेंसिटी के साथ इस वक्त गजा में पूरी शिदत के साथ जंग लड़ी जा रही है और अभी तक इस जंग की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी है नाजीन जो पहला बड़ा हमला किया गया है घात लगाकर आठ इसराइली फौजियों को हला किया गया है एक घात में आठ इसराइली फौजी मारे गए हैं आर इसराइली फूड फोर्स एट सोल्जर्सिंग रिटर्निंग फ्राम द बैटल लाइन एंड वी किल्ड दैम फ्राम जीरो डिस्टेंस अब ये कोई इस तरह का वाकया नाजन हुआ कि ये जो आठ फौजी है ये वापिस आ रहे थे यानी अपनी शिफ्ट खत्म करके वापिस जा रहे थे जहां भी इनकी रिहायश थी तो उनको घात लगाकर मारा गया अब मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कुछ स्कूल से छुट्टी हो गई थी जो इस तरह वो वापस जा रहे थे और रास्ते में पकड़े गए मतलब ये इतनी इडियट और निकमी इनकी फौज है कि अगर उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है तो वो आराम से जा रहे हैं भाई आप आप उस इलाके में हैं जहां पर दुनिया की सबसे खूनखार जंग वहां पर चल रही है तो ये साबित हुआ है निकम्मी फौज है जो सिर्फ औरतों और बच्चों से लड़ सकती है रियल आर्मी से लड़ने का इनमें ना ही वो सलाहित हैं ना ही इनमें वो हौसला है ना ही इनमें वो जिगरा है अब आप, आपको पता ना कि मजामती तहरीक को सामने देखकर यह कॉँपने लग जाते हैं उनके फाइटर जब सामने आते हैं तो इनसे हथियार तक नहीं चलते और ये कांपने लग जाते हैं इसके अलावा नाजरीन एक और बड़ा अहम और दिलचस्प सा वाक्य ये हुआ है कि इसराइली फौजी ये एक बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं और बिल्डिंग में जो ही दाखिल हुए हैं सामने मजामती तहरीक के फाइटर्स बैठे हुए थे और जो ही ये एंटर हुए हैं तो फौरन इन्होंने फाइटर्स को देखा और पीछे भागे यानी ये या आप कैसी बात है कि फाइटर्स को देखकर इन्होंने हमला नहीं किया बल्कि वहां से पीछे भागे और जो ही पीछे भागने की कोशिश की है उन्होंने पीछे से फायर करके इनको वहां पर हालात किया किसी बिल्डिंग में इंस्पेक्शन के लिए जैसे हर बिल्डिंग में जाकर चेक करते हैं यहां पर कोई अंदर है तो नहीं तो वो इसी घर से चेकिंग के लिए वो अंदर गया था लेकिन सामने तारीख के फाइटर्स बैठे हुए थे तो उसको देखकर वो पीछे भागा और उन्होंने पीछे पीछे से फायर खोल दिया और वो वहां पर वो सारे जो हैं वो हलाक हो गए अच्छा इसके अलावा नाजिन जो इनकी कंसनट्रेशन है उन पर शॉर्ट रेंज मिसाइल के साथ हमला किया गया है अच्छा इसमें आपको ये बड़ी अहम तरीन ये चीज नोट करनी है कि आज 91 डेज हो गए और मजामती तहरीक की कोई ओपन सप्लाई लाइन नहीं है लेकिन आज भी उनके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल भी हैं आज उनके आज भी उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हैं आज उनके पास स्नाइपर्स भी हैं उनके पास गोलियां भी हैं उनके पास बारूद भी है उनके पास ड्रोन्स भी हैं है। है। मतलब हर तरह का असलिया उनके पास है तो इसमा आनिया ने कहा था कि हम दस साल कम से कम इनसे जंग लड़ सकते हैं तो आप इसराइल अंदाज़ा लगा लें कि डेज में उनकी कितनी तबाही हो गई है यह तो दो महीने अगर यह जंग इसी तरह से चली तो इसराइल के टुकड़े टुकड़े जो है, वो कोई बचा नहीं सकता अच्छा यह आप देखिए जो नया हमला किया गया है फ्रंट लाइन इन गाजा सिटी ठीक है शॉर्ट रेंज मिजाइल के साथ उनके जो कंसेंट्रेशन है उन पर हमला किया गया है इसके अलावा नाजरीन जो मार्केवा टैंक्स हैं, उनके हवाले से खबर आई है वहां ऊपर आपको बताया थे लवीब में किस तरह फैक्ट्री उड़ाई जा रही है और जो बन चुके हैं टैंक्स उनका कब्रिस्तान किस तरह से बन रहा है ये आप देखिए आर फाइटर्स रिपोर्ट ब्लोइंग अप मार्केवा टैंक विद शावाज़ डिवाइस

Targeting an Israeli फोर्स inside a बिल्डिंग दैट लाइज ईस्ट ऑफ खान यूनिस्ट रिजल्टिंग इन द किलिंग ऑफ एंड बाउंडिंग ऑफ सोल्जर्स और इसमें नाजरीन आप ये बात जहन में रखेंगे इस तरह जो बिल्डिंग उड़ाई जाती हैं और इसराइली फौजी जिसमें हलाक हो जाते हैं इनको फिर निकाला नहीं जा रहा ये इनकी कब्रें वहीं बन जाती हैं कितने सैकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसराइली फ़ौजी जो है वो इसी तरह बिल्डिंग्स के मलबे तले दबे हुए हैं इसराइली फ़ौज उनको निकालने की सकत नहीं रख पा रही है ये तो अपने जिंदा फौजियों को छोड़कर भाग जाते हैं तो मरऊ को, को इन्होंने किस तरह से निकालना है अच्छा इसके अलावा नाइन सोल्जर्स को एक और जगह पर क्लैश यानी आमने सामने फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के नतीजे में इनके नौ फौजियों को मारा गया का ब्रिगेड क्लैश विद नाइन इसराइली सोल्जर्स द ग्रुप सेट दैट एडिंग इसराइली हेलीकॉप्टर अटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट दौ सोल्जर के साथ इसराइली हेलीकॉप्टर है वो वहां पर आया इनको वहाँ से करने के लिए। और यह सारे मनाजर जो है वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के आने के देखे गए तो यह नाजर गजा से अहम तरीन हमले हैं जिनके डिटेल हमने आपके सामने रखी है आप अंदाजा लगाइए कि चाहे उनके टैंक हो उनकी गाड़ियां हो उनके फौजी हो किस तरह से उनको हालात किया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पर ऑन एवरेज बड़ी तदा

मज़ामती तहरीक जो वेस्ट बैंक में है उन्होंने अपना कंट्रोल पूरी तरह से वहां पर हासिल कर लिया है इसराइल वहां पर अपना कंट्रोल खो बैठा है क्योंकि आगे जो सूरत हाल नाजर बन रही है ना यानी इनको अब बाय फोर्स अब वेस्ट बैंक से निकालने की तैयारी हो चुकी है प्लान बन चुका है कि वेस्ट बैंक में जो इनके सेटलमेंट्स से हैं उनको खत्म किया जाना है तो अब मजामती तहरीक बाय फोर्स वहां पर अपना कंट्रोल संभाल रही है ये आप देखिए जो स्नाइपर यूनिट का पूरा का पूरा यूनिट उड़ा दिया गया है अलकुदस ब्रिगेड एम्बुस्ट एंड इसराइली स्नाइपर यूनिट इन अ ज्वाइंट ऑपरेशन इन तुलकराम सिटी है इसमें उन्होंने एक पूरे का पूरा जो स्नाइपर यूनिट अच्छा मैं आपको इस तरह की खबर मैंने गजा में भी नहीं देखी कि पूरा का पूरा जो स्नाइपर का यूनिट है स्नाइपर हो सकते हैं सबको गाथ लगाकर जो है वो हलाक किया गया है तो ये पहली बार इस की में ये पहली बार खबर पढ़ी है तो ये वेस्ट बैंक में सबसे जबरदस्त फतेह की खबर आई है पूरे का पूरा यानी एक स्नाइपर को नहीं मारा पूरा यूनिट उड़ा दिया इसके वहां है। इसके अलावा से ने मैसेज किया है, वो आपके सामने रखते हैं फिर हिजबुल्ला के वाले से आपको अपडेट करेंगे वो कह रहे हैं ओल्ड सिटी एंड इन सेक्टर देर इज नो प्लेस फॉर यू हेयर फ्टी आर पीस फॉर यू रिवेंज एंड लिबरेशन ब्रिगेड बटाला कैंप वेस्ट बैंक वो कह रहे हैं कि आपके लिए ना कोई अमन है यहां पर ना कोई जगह है ये हमारी जमीन छोड़ दो यही तुम्हारे लिए बेहतर है वगैरह अब यहां पर तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है तो ये मजामती तरीक वहां से मैसेज जारी कर रही है अच्छा ये तो गजा और वेस्ट बैंक से रिलेटेड खबरें होंगी अब आपको लेबनान बॉर्डर पर लिए जाते हैं ना नाजरीन लेबनान का जो बॉर्डर है आज जो हिजबुल्ला ने हमले किए हैं उसने वहां पर जंग को एक नए फेज में दाखिल कर दिया अब जंग का वहां पर एक नए टाइप की जंग वहां पर शुरू हो गई है जंग में शिद्दत में इजाफा हो चुका है बहुत बड़े हमले आज किए गए मेरून बेस को निशाना बनाया गया 62 मिसाइल दागे गए और यह सबसे उनकी बड़ी बेस है और इस पूरे बॉर्डर पर उनके पास दो बेसेस हैं जिनमें से एक ये बेस है और ये जो इसराइल की सबसे ऊंची पहाड़ी है उस पर यह बेस बनाई गई है तो बहुत बड़ी तबाही वहां पर हुई है और इन हमलों ने और जो कि साले रूरी की शहादत का बदला लिया गया ठीक है ना उन्होंने इस ये बाकायदा पैगाम जारी किया कि हमारा ये हमला साले रूरी की शहादत का बदला है और ये बदला हमने लिया नहीं है अब ये आगाज हुआ है बदला लेने के प्रोसेस का आगाज हुआ है तो तो आगे आगे देखिए होता क्या है है तो जब से उन्होंने ये हमला किया खलबली मची हुई है नाजी दौड़े लगी हुई हैं टेंशन में इजाफा हो चुका है सूरत हाल हो गई है यूरोप से लेकर अमेरिका की दौड़ें लग गई हैं क्योंकि बड़ी कोशिश इससे पहले की जा रही थी हिजबुल्ला को रोकने की लेकिन खबरें ये आई हैं कि बहुत ज्यादा इस हमले के बाद प्रेशर डाला गया है लेकिन हिजबुल्ला ने पीछे हटने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा हम विद्रॉ नहीं कर रहे हैं जी दोबारा सुन लीजिए उन्होंने कहा हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ देता

बट राइट नाउ हिजबुल्ला इज नॉट इंटरेस्टेड इन विद्रॉइंग फ्रॉम दिस एरिया विच इज वट इसराइल वॉन्ट हिजबुल्ला से नो निगोसिएशन दर ऑन गा सुन लीजिए हिजबुल्ला कह रही है कि नो निगोसिएशन दजा एंड जब तक गजा में बंबारी बंद नहीं होगी अब यह जंग आगे बढ़ेगी यानी अगर मैं आपको बताऊं पिछले पिछला जो ये मतलब तीन चार दिन से पीछे तक जब से साले अल शहीद हुए उससे पीछे तक हिजबुल्ला भी मुजाक के लिए राजी थी यमन भी मुजाकर के लिए राजी था हमास भी मुजाकर के लिए राजी थी लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी कहा था ये टर्निंग पॉइंट हो गया जंग का तो अब ना ही हिजबुल्ला राजी है ना ही हमास राजी है ना ही ईरान अब कोई वो मुख नहीं चाह रहे अब वो कह रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम बदला लेंगे तमाम चीजों का और अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे तो इस वक्त बताया जा रहा है कि फ्रांस और अमेरिका सब ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और बरतानिया बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है पिछले दिनों उनके जो फॉरन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरोन वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने ही हिजबुल uh, के सरबरा का जो स्पीच थी वो मुलतवी करवाई थी ठीक है ना काफ़ी उन्होंने क्योंकि आप देखे ना डेविड कैमरोन जब से फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं अभी तक वो इसराइल नहीं गए तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जरा फलस्तीन के जो है इतिहादी उनकी हिमायत में रहकर चीज़ें की जाए ताकि डिप्लोमेसी का कोई नतीजा निकल सके लेकिन वो अब नाकाम हो गए अब तमाम डिप्लोमेसी यूरोप की अमेरिका की वो नाकाम हो गई और हिजबुल्ला ने मानने से इनकार कर दिया है उन्होंने कहा कि मतलब वो ये कहते हैं कि भाई तुम हमें आके कह रहे हो कि जंग रोको उधर तुम्हारी जुबान नहीं चलती उधर इसराइल को जाकर क्यों नहीं रोकते इसराइल को क्यों नहीं कहते कि गजा में बमबारी बंद करें, उधर गजा में तुम इमदाद क्यों नहीं भेज सकते तुम वहां पर रोटी और पानी क्यों नहीं भेज सकते उधर अगर तुम्हारा पास नहीं चलता तो हम भी तुम्हारी बात मतलब पहले भी उन्होंने नहीं मानी लेकिन एक ये है कि हम अमन की बात करने वाले हैं ना तो हमने अमन की बात हमेशा से की है और आज ये दुनिया को पता चला है कि फ़लस्तीन हमेशा अमन की बात करता है और इसराइल हमेशा फसाद और जंग की बात करता है क्योंकि ये है, है वॉर क्रिमिनल अच्छा नाजर एक तो ये पोजिशन ले लिया है इसबुल्ला ने और साथ साथ हज़बुल्ला के हमले भी मुसलसल जारी हैं बहुत बड़े हमले अब दोबारा से किए गए एक तो सुबह वो सारे हमले उनकी बेस और बाकी सारे किए गए थे अब ये जो ताजा तरीन नए हमले हुए हैं उनके खुद कुछ ड्रोन्स अंदर आए हैं खुद कुछ प्लेन अंदर आए हैं जिन्होंने आकर अटैक किया या पहले बयान देखते जाइए एन एनिमी प्लेन कमिंग फ्रॉम लेबनान अगेन वॉयलेट्स द एयर स्पेस ऑफ द गलीली, इसराइली मीडिया कह रहा है प्लेन जो है वो गलीली के इरा में अंदर आए हैं फिर एयर डिफेंस है।, है वो बहुत एक्टिव कर दिया गया है लेकिन वो किसी खाते में नहीं है अच्छा अब मैं हिजबुल्ला के आखिरी बयान आपके सामने रखता हूँ फिर आगे चलेंगे जो कबीना में रिवोल्ट है उस हवाले को बताएंगे उनका बयान अहम तरीन साहब

not advance for war we aspire to achieve stability and make the necessary contacts in this regard lebanon is committed to implementing international resolution number no. 1701 provided that the full implementation of the resolution फर्स्ट रिक्वायर्स स्टॉपिंग इसराइली वायोलेशन ऑफ लेबिनिटी एंड विदड्रॉइंग फ्रॉम द लेबनिस टेरिटरीज इट स्टिल ऑक्योपाइज अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है उन्होंने कहा कि हम उस करारदाद को मानते हैं अब ये 1701 सौ एक करारदाद क्या है ये ये थी कि हिस्बुला जो है वो बॉर्डर फेंस पर नहीं आएगी जहां पर इस वक्त हिस्बुला ऑपरेट कर रही है यानी बॉर्डर फेंस के बिल्कुल ऊपर ये करारदाद थी कि ये चार पांच किलोमीटर पीछे चले जाएंगे वो कह रहे हैं हम ये करारदाद मानने को तैयार हैं लेकिन पहले इसराइल से मनवाओ पहले इसराइल को कहो हम अमन के शिक्र हैं हम अमन की बात करते हैं लेकिन इसराइल नहीं करता अब हमसे मनवाना चाहते हैं इंटरनेशनल लॉ हम वो इंटरनेशनल लॉ मानेंगे जो सबके लिए इक्वल होगा हम डबल स्टैंडर्ड वाला इंटरनेशनल लॉ नहीं कबूल करेंगे अगर ये हमारे इलाके छोड़े फलस्तीन की जंग बंद करे देन हम अब ये की की जो 1701 की जो करेंदादा है उसको मानेंगे यानी लेबनान की हुकूमत भी कह रही है कि ना ही के हमले बंद होंगे ना ही इस पीछे विड्रॉ करेगी और किसी तौर पर हम पीछे हटने वाले नहीं है और जो इन्होंने बैरूत में हमला किया उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो यह इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि एक, एक मुल्क है जिसमें तंजीम का अलग

उधर कुछ और जो हैं वो दूसरे खिलाफ प्लान बना रहे हैं वजीर दिफा को जो चीफ्स हैं इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उनसे मिलने की इजाजत नहीं है हर वक्त नितिन याहू पर तलवार लटक रही है और किसी भी लम्हे नितिन याहू को लगता है कि उसका इकतदार खत्म हो सकता है मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि भाई इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है इसराइली मीडिया कह रहा है सीनियर मिनिस्टर्स द एमरजेंसी गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट लॉन्ग देयर विल बी एन इन अब वो कह रहे हैं कि मतलब पॉइंट पर सूरत

और अब ध्यान देखिए ये फॉर्मर इजरायली डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है ये क्या कह रहा है गांड्स मस्ट रिजाइन एज़ द गवर्नमेंट विल नॉट फॉल एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ इन इट अब ये बेनी गांड्स क्या है ये मिनिस्टर है उसके कैबिनेट में और ये एक इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाई गई थी यानी बेनी गांड्स ने इतिहाद किया था ये अपनी एक पार्टी का लीडर है इसने जाकर अतिहाद किया था और ये मखलूत हुकूमत बनाई थी और अब ये फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं कि बैनी गांड्स को फिल फॉर रिज़ाइन करना चाहिए जब ये रिज़ाइन करेगा तो नितिन याहू की हुकूमत कायम नहीं रह सकती और बैनीगार्ड्स के और नितिन याहू के इस वक्त शदीद अख्तलाफात चल रहे हैं और ये ख़बरें हैं कि बैनी ग्ड्स किसी भी वक्त नितिन याहू के साथ अपना इतिहाद ख़त्म कर सकता है ये इस वक्त उनके अंदर की सूरत हाल है अब मुझे बताइए एक छोटी सी कंपनी भी जो दस लोगों की हो वो भी अगर उसमें इतने इख्त हो तो वो नहीं चल सकती तो एक पूरा मुल्क जो सबसे अपने अपने वजूद की सबसे और जब से वो बना है सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और उसके खिलाफ इतनी ताकतवर खड़ी है मतलब जो ईरान यमन और इराक़ शाम लेबनन हमास कितनी ताकत के साथ उसके खिलाफ लड़ रही है कितने जज्बे के खिलाफ के साथ लड़ रही है तो क्या इसराइल इस तरह इन तमाम एक्सेस ऑफ रजिस्टेंस से लड़ सकता है कभी भी नहीं लड़ सकता और अब तो उसके इतिहादी भी बहुत हद तक पीछे हट चुके हैं तो ये आम तरीन और ताजा तरीन हक जो कि आपके साथ शेयर किए आपने जरूगा करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जा